तो गाइस पोकेमोन की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गाइस आज फाइनली नया बैटल पास का ट्रेलर आ चुका है, बिल्कुल 5-10 मिनट हुए हैं इसे आए और हम जल्दी से इसे देखने वाले हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस पूरे ट्रेलर को देखने के लिए। और किस पोकेमोन की स्किन आई है आप लोग गैस करके बताना, आप लोग को क्या लग रहा था किस पोकेमोन की आएगी कमेंट्स में। तो जल्दी से इस ट्रेलर को देखते हैं और कुछ हम नई स्किन्स भी देखने वाले हैं जो कि अभी लीक आ चुके हैं, तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वाली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है तो कर दो, पोकेमोन यूनाइट के सबसे बेस्ट चैनल के लिए लाइक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर तो देखते हैं भाई, मैं ना शॉक हो गया था जब मैंने देखा किसकी स्किन आई है। तो गाइस यहाँ पर स्किन आई है डेलफॉक्स की और ट्रेवेनेंट की भाई, और एकदम ना अरेबियन स्टाइल आई है। तुम लोग ने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर जो डेलफॉक्स है वो प्रिंसेस जैस्मिन के जैसे लग रही है, अरब में देखा होगा ना आपने, अली बाबा वगैरह देखा होगा। और तुम ध्यान से अगर ट्रेवेनेंट को देखोगे तो तुम्हें प्रिंस ऑफ पर्सिया टाइप के वॉरियर की याद आएगी, और म्यूजिक भी कुछ वैसी वैसा है भाई। आई स्वेर धासू बैटल पास मतलब एक नंबर। जो पिछले बार ना म्यू के बैटल पास में मुझे वाइब महसूस नहीं हो रही थी वो अब हो रही है, मतलब तुम स्किन के इफेक्ट देखो खाली। असल में इन्होंने पूरी स्किन सजा के रखी है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा उसको वो जो भी था उसे घंघरा ही पहना दिया। मुझे लग रहा था फ्यूचर में इसकी एक ऐसी स्किन आएगी और आई, एक नंबर भाई। जरा उसका पूरा कॉस्ट्यूम देखो, ये देखो ऊपर से नीचे तक पूरा सजाया, इवन उसे इयर रिंग्स जैसे भी पहनाए हैं और यहां पर भी पहना दिया है, कमाल है। रिटर्निंग एनिमेशन, अरे ये कुछ कुछ जापानीज टाइप का नहीं लग रहा? जापान में ऐसा होता है कि वो जो लाइटिंग्स रहती हैं, मुझे जापानीज, अब मैं अरेबियन बोल रहा था अब मुझे ये जापानीज लग रहा है, और मेरे बाल ऐसे क्यों हो रहे? एक बार फिर देखो रिटर्निंग एनिमेशन, वो ये देखो मैं बोल ही रहा था ये इंडियन या अरबी स्टाइल है, आई थिंक इंडियन। तुम लोग बताना तुम लोगों को क्या लगता है, अरब की स्टाइल है या इंडियन स्टाइल है? मेरे को तो अरब की लग रही है साड़ी, ये सब अरबी में पहना जाता है लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इंडियन भी लग रहा है। इंडिया में बिंदी लगाते हैं लेकिन अरब में भी तो लगाते हैं शायद। ये देखो म्यूजिक तो अरबी है। एक मिनट, ट्रेवेनेंट का यूनाइट, ओ भाई गोल, क्या प्यारा गोल एनिमेशन है वो। मानना पड़ेगा इस बार पोकेमोन यूनाइट ने अच्छा खासा स्किन दिया है। इस बार दिया गया है स्किन जो तुम खरीद सकते हो अपने पोकेमोन के लिए, और मैं तो डेलफॉक्स खेलते ही हूँ तो डेफिनेटली मैं तो बाय करने वाला हूँ। अब गाइस जल्दी से हम दूसरी स्किन भी देखते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट्स में ये चीज़ जरूर बताना कि आप लोग को ये बैटल पास कैसे लगा, मेरे को तो अच्छा लगा। अब आप इसकी दूसरी स्किन देखते हैं। तो अब हमारे पास में इस बैटल पास की थोड़ी बहुत इमेजेस है, तो आप लोग देख लो डेलफॉक्स की स्किन कुछ तो मैं ऐसी लगने वाली है जब ये अपने सेकेंड फॉर्म में होगा। उसके बाद में और भी हैं यहाँ पर, हमें स्लाइड करना होगा। ओके ये रही फाइनल वाली। यहाँ पर देखो भाई कितना ज़्यादा सजावट है, मतलब हर एक चीज़ को इन्होंने सजाया है, तो ये स्किन वर्थ इट है यार एकदम लेना। और जब ये फैनिकन रहेगा तो ये कुछ ऐसा लगने वाला है। तो यहाँ पर ये रहे पहला फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म ये है। इसमें भी देखो क्या लग रहा है, ऊपर ये भी बैंड लगाया, हाथों में कंगन लगा दिए हैं, और ये थर्ड वाला में तो भाई धांसू। अब जाके मुझे डेलफॉक्स अच्छी लगी, तो यहाँ पर और पूरी ड्रेस कुछ ऐसी लगेगी। ये देखो इयर रिंग्स भी क्या कमाल के लग रहे हैं भाई, कसम से इसकी स्टिक को और सजा देते तो मज़ा आ जाता ना, थोड़ी रंग बिरंगी कर देते इसकी स्टिक को और ज़्यादा अच्छी लगती। यहाँ पर देखो फूल बना है शायद, ये कुछ स्टाइल है, मुझे नहीं पता ये कैसी स्टाइल है लेकिन कुछ तो है। और यहाँ पर और भी स्किन्स आने वाली हैं, तो ट्रेवेनेंट की स्किन ये रही, अगर तुम पहनोगे तो कुछ ऐसी लगने वाली है, ठीक है अच्छी लग रही वॉरियर टाइप की। वो डिस्को डांसर वाली कुछ ज़्यादा थी लेकिन ये भी अच्छी है, सिंपल और अच्छी और फ्री भी है सबसे बड़ी बात बैटल पास में। और गाइज एक और सीजोर की स्किन आने वाली है, मतलब मैं तो उम्मीद भी नहीं करी थी। और अब देखो तुम्हें अब पूरा प्रिंस ऑफ पर्सिया वाली वाइब आ रही होगी, मैं श्योर हूँ एकदम, क्योंकि इसे देखने के बाद में मुझे प्रिंस ऑफ पर्सिया की याद आई थी। यहाँ पर साफ साफ देखो, मतलब ये हुडी ना, अगर ये स्किन है, अगर मैं सीजोर खेल रहा हूँ पर्सनली तो मैं स्किन बाय करना पसंद करूँगा क्योंकि ये लग अच्छी रही यार। ये देखो कितना कूल लग रहा सीजोर, लाइक अ वॉरियर, नहीं लग रहा तुम लोग को?
यहाँ पर मुझे कसम से लग रहा है कि मतलब मून नाइट के जैसे थोड़ा बहुत। तो हमारे पास में इतनी, और ये खरीदने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमारे पास में इतनी स्किन्स के लीक्स थे, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं इसके लिए। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है इस बैटल पास के लिए, और अभी 3-4 नए पोकेमोन आने वाले हैं जिनके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पे देख सकते हो। एंड गाइस, आने वाले टाइम में ना जो नया पोकेमोन हमारे सामने दिए गए हैं, जैसे कि 3 नए पोकेमोन अभी आए हैं भाई, ज़ोरुआर्क भाई, उनकी स्किन जब आएगी ना मज़ा आएगा। तो आप लोग मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना आप लोग को तीनों में से कौन सा पोकेमोन पसंद आया था, और ये बैटल पास आप लोग को कैसा लगा, और कितने लोग ये बाय करने वाले हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका गिव अवे करूं, मैं 5 बैटल पास के गिव अवे के बारे में सोच रहा था अपने चैनल में, अगर आप लोग चाहते हो कि आप उन विनर्स में से एक बनो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर 5,000 लाइक कर दो, 1,000 लाइक, मतलब 1% 5,000 लाइक कर दो, ठीक है 5,000 कर देना, और सब्सक्राइब करो बॉयज, और दोस्तों के साथ शेयर करो, जल्दी से 100K करने हैं, फिर व्लॉगिंग वगैरह भी तो करनी है पूरी, सेटअप टूर की 100K कंप्लीट। तो मिलते हैं गाइस हम पोकेमोन यूनाइट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय, सी यू गाइस।